अब्बा मियाँ पानी पी लीजिए। ना ना ना। अरे बैठ जाइए, आप परेशान मत हो, लोग रस्ते में है। सुबह से मैं अस्पताल जाने के लिए तैयार फिर रहा हूँ, लेके नहीं जाते। अब गए तो खुद ही चले गए, और जब मैं कहता हूँ कि मुझे ले चलो, कहते नहीं दोपहर तक आ जाएंगी, दोपहर तक। शाम हो गई, अभी तक तो आई नहीं। आ गए। ओहो, अम्मा जी कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। यहीं बैठ जाती हूँ। ना ना ना, खबरदार, यहाँ नहीं बैठना है, अंदर चलना है, चल के आराम करना है। अगर यहाँ बैठी ना तो घर के मामलात में गुफ्तगू शुरू हो जाएगी और फिर आराम नहीं मिलेगा। आप बस, आप भी तो बस ऐसे ही। लो, बस ऐसे ही मत भूलें कि आपको दिल का दौरा पड़ा था। अम्मा भी, अब्बा मियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिद मत करिए, चलिए कमरे में जाके आराम। हाशिम, साबिर भाई और शमीम ऑफिस चले गए? हाँ ना, वो कल से क्लाइंट्स को वेट करवा रहे थे, तो उन्होंने मीटिंग्स अटेंड करनी थी इसलिए चले। आ जाएंगे जल्दी। ला, सर दबा दूं? सर में दर्द नहीं, दिल में दर्द था। आए? अरे भाई, मुझे नहीं बताओगी कि ऐसी क्या बात थी जो दिल बर्दाश्त नहीं कर सका? क्या बताऊं, एक औरत के लिए तो उसका घर, उसकी औलाद ही उसकी जिंदगी होते हैं। घर हंसता बसता हो तो उसे जिंदगी मिलती है, और अगर तरह सी भी दरार आ जाए ना, जीते जी मर जाती है। ओहो, ऐसी क्या बात हो गई? भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने इस दौर में भी हमें एक नहायत नेक और फर्माबरदार औलाद दी है। बस एक अजीम का ही दुख लगा हुआ है तुम्हें। अजीम के साथ एक और जिंदगी भी तो जुड़ी हुई है ना, हुसन आरा की। अल्लाह ने मुझे बेटी तो नहीं दी, लेकिन हुसन आरा को मैंने हमेशा अपनी बेटी ही समझा, और अब देखो उसकी जवानी रेत की तरह से हाथों से निकली चली जा रही है, और हम है कि कुछ कर भी नहीं पा रहे। न जाने क्या मजबूरी है अजीम की कि वो आ नहीं पा रहा। हमारा बेटा ऐसा तो नहीं था। आप ठीक कहते थे, हमें उस नारा का घर जल्द आबाद कर देना चाहिए था। देखो ना, अजीम ने हर साल उम्मीद दिलाई कि इस साल वो आ रहा है, नहीं आ रहा। भाई अगर वो नालायक हमें एक दफा बता देता कि मैं नहीं आ रहा, तो हम हुसन आरा को भी आते थे। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।